हेलो गाइस, वेलकम टू द हॉर्स ट्रेडिंग। जो बताया था वही मार्केट फॉलो हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी लंबा नहीं है मार्केट में। आप देखोगे तो HDFC ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, बट बैंक निफ्टी है वो टोटली शांत मूड में पड़ा हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने ओपन किया था डाउन, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग दिया था, और जो अपने कल का प्लान था उसी के अकॉर्डिंग आया था। जैसे ही 46,800 ब्रेक हुआ, एक अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम देखने को मिली थी, और उसके बाद टोटली मार्केट साइडवेज गया। तो ये मार्केट में मोमेंटम नहीं मिला था, जो मैंने कल बताया था वैसे ही मार्केट यहाँ पे घूम रहा था। जब भी मार्केट डीप जाएगा उसके बाद तुरंत ही वहां से बाइंग आ रही थी। आज देखिए डीप डाउन गया, उसके बाद तुरंत ही मार्केट में लास्ट एंड ऑफ द डे में मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, और एंड ऑफ द डे में अच्छी खासी बाइंग आई है। तो कल यहाँ पे टेक्निकली मार्केट गैप ऑफ होना चाहिए, छोटा सा तो छोटा सा गैप ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छी खासी मोमेंटम है, ठीक है। तो ये चार्ट में कल शेयर किया था, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा चार्ट पे, क्योंकि मार्केट में भी कोई चेंजेस नहीं आया। कल है हमारा अप्रैल वीक का फर्स्ट डे, ठीक है। अप्रैल का फर्स्ट डे होगा, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मुझे थोड़ा सा मार्केट थोड़ा ट्रिकी बन सकता है कल से, क्योंकि अभी तक मार्केट में एक ट्रेंड फॉलो हो रहा था। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मार्केट नीचे जा रहा था उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग आ रही थी, जब भी नीचे जा रहा था तो उसके बाद बाइंग आ रही थी, तो यहाँ से मार्केट में बाइंग वाली जोन आ रही थी। तो वैसे ही कल मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ, और उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में एक बाइंग देखने को मिल सकती है, या फिर यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो मार्केट में वापस से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स कि मार्केट में अभी बाइंग अच्छी खासी देख रही है मैं, ठीक है। बायर्स यहाँ पे टोटली अपना कंट्रोल लेके बैठे हैं। किसी भी सपोर्ट लेवल पे आप देखोगे, यहाँ से सपोर्ट लेवल आप देखो, आज भी यहीं से ही मार्केट ने अपने सपोर्ट लेवल से ही मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, और आज जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली थी। जो मैंने कल बताया था वैसा ही मार्केट यहाँ पे निकला था, और एक अच्छी खासी हमें मोमेंटम देखने को मिली थी। अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया तो वहीं से ही सेम यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर नीचे जाना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा ना वेट कीजिएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये कल मार्केट में बन सकता है, और यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा मार्केट में, ठीक है। 47,000 जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग देता है, 46,900 के आसपास, और जैसे ही 47,000 ब्रेक होता तो मार्केट 47,200 के लेवल को टच करने के लिए जा सकती है, ठीक है। तो ये मैं कल मैक्सिमम ट्रेड है वो निफ्टी के ऊपर करना पसंद करूंगा, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी बनेगी, और निफ्टी की एक्सपायरी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो देखिए मैंने प्री लेवल्स आज निकाल के रखे हैं मार्केट के, क्योंकि ये प्री लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये वाला लेवल्स हमारे ये वाले जोन के आसपास से निकाल के रखे है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जोन के आसपास से मार्केट ने सेलिंग दिखाई, और कंटिन्यू सेलिंग आई थी और बहुत ही बढ़िया सेलिंग देखने को मिली थी। आज भी मार्केट देखो इस जोन के आसपास आके सेलिंग दिया था, तो ये कल भी यहाँ से पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कल एक्सपायरी है। मेरे लिए एक परफेक्ट मोमेंटम मेरे हाथ में आ गया, तो मेरे लिए एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है, और मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि कल मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल जाए, ठीक है। तो आज यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल सकती है। ये वाली ट्रेंड लाइन मार्केट कंटिन्यूअसली 3 टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंटिन्यू सपोर्ट आ रहा है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, आज भी यहाँ पे आ सकता था मार्केट, बस उसके पास निकल गया। अगर मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप के बाद मार्केट है वो पहले तो देखिए गैप अप ओपनिंग जगह, तो मार्केट कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। जैसे ही 22,200 ब्रेक होता है तो मार्केट में हमारे पास अच्छे खासे लेवल्स ओपन रहेंगे, और वो लेवल्स हम नहीं यहाँ से निकालेंगे। फर्स्ट लेवल हमारे पास आएगा 22,060 के आसपास का, 50 के आसपास का ये लेवल रहेगा हमारे पास, बहुत ही बढ़िया है यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 22,256 मिलेगा, और मार्केट में जैसी जैसी मोमेंटम होगी वैसे वैसे मार्केट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेवल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 22,256, 22,200 ब्रेक होते ही 256, और उसके बाद मार्केट में जो भी मोमेंटम रहेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल्स निकलेंगे। तो आप लोग मेरे लेवल्स फॉलो करना चाहते हो तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और प्रीमियम पे भी ज्वाइन होना चाहते हो तो जाइए जल्दी से हमारे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद फर्स्ट ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दीजिए, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो वहीं पे ही सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको प्रीमियम में ऐड कर लेंगे।
ठीक है, तो ये निफ्टी का एक्सपायरी वाला मोमेंटम बन सकता है, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो बायर्स का एकदम से जान छूटेगा और बायर्स यहाँ से अपना कंट्रोल छोड़ सकते हैं, और एक अच्छी खासी डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है कल। ठीक है, तो कल यहाँ पे मेरा व्यू न्यूट्रल ही रहेगा कि मैं कोई बुलिश या फिर बीरिश मोड पे नहीं आऊंगा, मैं जस्ट वेट करूंगा मार्केट में कि क्या मार्केट यहाँ से अप एंड डाउन घूम सकता है और मुझे यहाँ से क्या मोमेंटम करना चाहिए वो मैं यहाँ से देखूंगा। ठीक है, मार्केट के अकॉर्डिंग मैं कल ट्रेड के लिए जाऊंगा। आज देखिए, आज देखा होगा आपने कि बैंक निफ्टी पे कोई भी मोमेंटम नहीं था, मैं शांति से बैठा था, मैं आज लाइव में भी नहीं आया था क्योंकि देखिए ये जोन में ना कोई मोमेंटम नहीं था। मैंने ग्रुप में शेयर करके बता दिया था कि मार्केट फंस गया है रेंज में और टोटली बोरिंग हो गया है, तो वहां पे हमारे पास कोई और मोमेंटम जनरेट नहीं होगा। तो उसी के बाद मैं अपने स्टॉक पे चला गया, टाटा केमिकल्स पे। मैं अच्छे खासे कॉल साइड में एक अच्छी खासी मोमेंटम मेरे हाथ लग गई थी कॉल साइड पे, और उसके बाद मैंने देखा HDFC बैंक में अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो HDFC बैंक में भी गए थे। नौकरी में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, तो वो तीन ट्रेड मुझे अच्छे खासे मिल गए थे, और वहाँ पे ही मैंने आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में ही टाइम बिताया था। ठीक है, तो आप लोग भी जाके मेरे लिंक के थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, मैं सारे के सारे चार्ट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप जाएंगे और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको प्रीमियम एक्सेस मिल जाएगा, और वहाँ पे सारे की सारी डिटेल्स है वो चार्ट की और लर्निंग की मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, तो आपको फ्री में मिल जाएगी। जाइए जल्दी से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए, और फ्री में सीखना है तो जाइए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, कुछ चार्ट्स भी शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।